हाय फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आज हमारे एक बहुत स्पेशल फ्रेंड आए हैं, काफ़ी दूर से, सुल्तानपुर लोधी, गुरुओं वाली धरती, वाहिगुरु की धरती से आए हैं। उन्होंने का प्लान है कि ब्रीडिंग को पर्पज से वो काफ़ी लगभग पिछले 3-4 महीने से कोई डॉग ढूंढ रहे हैं। तो आज सडनली हमारे पास आए तो हमारे फार्म एक अमेरिकन बुली 3 महीने की फीमेल बहुत ही अच्छी हैं। तो मैंने कहा, उनको दिखाया, उनको काफ़ी पसंद आई। और बट उनके यही है कि हम फर्स्ट टाइम ऑनर हैं, ये ब्रीड कैसे है। तो पंजाब में माई फ्रेंड अमेरिकन बुली की डिमांड बहुत पसंदीदा किया जाता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज में अच्छा वॉच डॉग, अच्छा गार्ड डॉग, और फैमिली के साथ फैमिली की तरह, बच्चों के साथ बच्चों की तरह, बूढ़े बुजुर्गों के साथ बूढ़े बुजुर्गों की तरह, और अगर स्ट्रेंजर आता है तो उस पर पूरा भी गरजता बरसता भी है। तो अमेरिकन बुली, मैं आपको इस टॉपिक, अमेरिकन बुली काफ़ी बड़ी फैमिली है, इसमें बहुत साइजेस आते हैं, माइक्रो, पॉकेट, स्टैंडर्ड, एक्सएल, ए डबल एक्स, ऐसे हैं। बट ज़्यादातर फेमस, जहाँ ज़्यादा तक जो अभी तक का ट्रेंड चल रहा है वो स्टैंडर्ड पॉकेट में चल रहा है, क्योंकि माइक्रो की रेंज थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, जो कि आपको 50-70-80 हज़ार लाख से शुरू होता है, वैसे 3-4 लाख तक भी चला जाता है। बट स्टैंडर्ड आपको एक नॉर्मली 15-20 के बीच मिल जाएगा, जो पॉकेट कह लो वो थोड़ा 20-25 के बीच मिल जाएगा। इसमें इसका प्राइस जो होता है हमेशा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कलर मार्किंग, स्पेशली आँखों का कलर के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, मदर फादर जरूर प्ले करते हैं रोल, बट मैं एंड ऑफ द डे यही कहूँगा माई फ्रेंड, जो अमेरिकन बुलिस ब्रीड है, नॉट ओनली टॉक अबाउट अमेरिकन बुली, अगर आप बड़ी ब्रीड है कोई भी देख लो, पिट बुल देख लो, बॉडी एक्स देख लो, बुल मास्टिफ देख लो, रॉटवाइलर देख लो, इनको जब आप जो ब्रीड हैवी मसल्स वाली होती है ना, उनको मसल बनाने में आपका एफर्ट लगता है, वो ब्रीडर नहीं कर पाएगा। ब्रीडर आपको एक तंदुरुस्त हैवी बच्चा देगा, बट उसको बनाना, मेंटेन रखना आप पर निर्भर है माई फ्रेंड, कैसे आप उसको बनाते हो। अगर वो फीमेल है तो ओवरवेट नहीं होनी चाहिए, एक अच्छा फिट डॉग होना चाहिए, ताकि जब भी आप मेटिंग करो तो कहीं कोई डॉक्टर साहब ये ना कह दे कि ये ओवरवेट है, या कोई इंटरनल प्रॉब्लम ना हो जाए। बुली के अगर आप सेगमेंट में इस समय आना चाहते हो तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है आपके साथ, बहुत वैरायटी है। और ये ब्रीड कुछ ऐसी है जो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये ब्रीड आएगी, बाद में लोग इसको छोड़ देंगे, फेस ऑफ कर लेंगे, तो ये ब्रीड चल नहीं पाएगी। जैसे बहुत सारी ब्रीडें हर साल दो तीन साल आती रहती हैं, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो पिछले 3-4 सालों से अमेरिकन बुली ने अपना दबदबा बनाया है और उसको मेंटेन रखा है, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये ब्रीड काफ़ी लंबी रेस का घोड़ा है। तो अगर आप चाहते हो ब्रीडिंग लाइन में आना तो अमेरिकन बुली वन ऑफ दोज चॉइस हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इस ब्रीड का एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि ये ब्रीड का मेल भी बिकता है और फीमेल भी बिकती है। तो हमेशा वो ब्रीड चूज कीजिए जिसकी फीमेल भी बिके। बट आई रिपीट अगेन, अमेरिकन बुली और अमेरिकन पिटबुल कह लो, जहाँ वो अलग चीज होती है, पिटबुल एक अलग चीज है, अमेरिकन बुली एक अलग चीज है, और लुक लाइट दोनों सेम है, लेकिन जो प्रोफेशनल है वो चीज जानते हैं दूर से देखकर ही कि ये अमेरिकन बुली है या पिटबुल है। बट अमेरिकन बुली वन ऑफ द बेस्ट इस समय गार्ड डॉग, पसंदीदा डॉग, वॉच डॉग, फैमिली डॉग। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, जहां तक कि 10-12 साल के बच्चे भी इसको लेकर गए, उससे कम एज के बच्चे भी लेकर गए हैं, जो आज एक बहुत बढ़िया उमदा डॉग बने हुए, और कोई कंप्लेंट नहीं है पेरेंट्स की तरफ से। तो फ्रेंड्स, आइए उनसे मिलते हैं, वो पपी लेकर आए हैं और थोड़ी उस ब्रीड के बारे में आपको बताते हैं। कि होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आप भी अगर थोड़ा सा भी चॉइस है आपका ब्रीडिंग में लाइन आने का, तो इस ब्रीड से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ये भी आपकी वन ऑफ द चॉइस हो सकती है। आइए मिलते हैं। आइए जी, हाय फ्रेंड्स, ये मेरे दो सब्सक्राइबर हैं। सर कहाँ से आए आप? सुल्तानपुर से। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बॉबी है। बॉबी ताड़ा भाजी। मेरा नाम अजय सिंह जी। तुसी ब्रदर्स? जी सर, कजन ब्रदर। कजन ब्रदर जी। हाँ फ्रेंड, कैसे प्लान बना आपका ये लेने का ब्रीड? सर बहुत अच्छी लगी ब्रीड, देखने में बहुत अच्छी है। ओके, गर्मी में रखने वाला डॉग है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इनको बताऊँ, इनका प्लान है ब्रीडिंग पर्पज से आप ये फीमेल ले रहे हैं। इसका क्या बॉडी वेट चेक किया सर हमने अभी? सर 11 kg। 11 kg, अराउंड 3 month एज है ना, 3 vaccination हो चुके हैं। और इनको किसी ने बता दिया कि अगर आप ब्रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो लेब्रे से करो। जी सर। लेकिन ये मेरे पास आए, मैंने इनको सजेस्ट किया कि हाँ आप कर सकते हो, देखो हर
स्टेट में हर एक ब्रीड का एक अलग अलग होता है कि वहाँ कौन सी ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो बुली ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बढ़िया माने जाते हैं लेब्रे से, और उसी ब्रीड से स्टार्ट करना चाहिए जिस ब्रीड की फीमेल भी आप बड़ी आसानी से सेल कर पाओ। देखो बहुत सारे मेरे फ्रेंड जो ब्रीडिंग करते हैं लेब्रे की, वो जानते हैं कि लेब्राडोर का मेल तो सेल करना आसान है, लेकिन फीमेल बच्चे अगर मान लीजिए लीटर में 5 या 7 फीमेल आ गई, एक मेल आ गया, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सेल करना। तो फिर मैंने इनको बताया कि क्या क्या डिफरेंस हैं, तो इनको फाइनली ये पसंद आया। तो ये अभी हमारे फार्म में गए थे, यहाँ से कुछ कितना 20 किलोमीटर पड़ गया कितना, तो वहाँ जाकर जाते ही पसंद आ गई। हाँ क्योंकि हमने इनको जो फोटो दिखाई थी ना उससे बेटर है ये। बिल्कुल जी, तो हो सर में बहुत अच्छी है जी। ठीक है जी, क्या नाम बताया आपने सर? शैडो। लो फ्रेंड, ये शैडो जा रही है अभी सुल्तानपुर लोधी, अमेरिकन बुली 3 मंथ। और बहुत सारे फ्रेंड ये भी पूछते हैं, और इनका भी ये क्वेश्चन था कि अगर हम ब्राउन कलर की फीमेल लेंगे तो क्या वो ब्लू कलर के बच्चे आ सकते हैं? फ्रेंड हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। और अगर आप इस फीमेल को मेल के साथ मेटिंग करवाओगे, ब्राउन से छोड़कर मान लीजिए कि अगर आप ब्लू कलर के मेल के साथ मेटिंग कराओगे, तो चांसेस हैं कि कुछ बच्चे मदर पर जाएं, कुछ फादर पर जाएं। और ब्रदर अच्छा लगा सब, बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलकर, एंड प्लीज टेक केयर, धीरे धीरे जाइए। राइट, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम, थैंक यू, ओके बाय। होला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों पड़ोसियों पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।